और इसका काफी अच्छा अनुभव। हालांकि डुबूर वहां पर उसका शॉट पर जरूर वहां पर पहचाना था कि ये शॉट आगे राइट साइड में, लेकिन तब तक में ये शॉट में भी उतना ही अच्छा अनुमान जो कि गोल। मुंडा सोरेन शॉट देने के लिए और मुंडा का भी उतना ही बेहतरीन गोल यहाँ पर साफ सुथरा खेल बिछावट के गेंद को क्लियर करने का काम किया है। और मुकेश का शॉट थोड़ा सा साइड हुआ और इस तरीके से सेकेंड शॉट मिस होता हुआ बरतला टीम क्या पॉइंट टीम को लीड करने का मौका मिला था, लेकिन इस बार शॉट देने के लिए इस बार आएंगे केलाबाड़ी टीम से। और ये बेहतरीन गोल, दो शॉट में दो गोल। रक्षित पिछला मैच का इसका ट्राई ब्रेकर मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन शॉट तो जरूर लगाया था ये मुझे ख्याल है। इस बार शॉट लड़ने के लिए नाइकी बरंडी तीसरे स्थान में। और इसका शॉट भी वहां पर वापसी हुआ है। गोल हो जाएगा रक्षी पटाल किलाबाड़ी टीम की तरफ से और वही बरतला टीम का दो में एक मात्र गोल कमाल करता होगा चार लोगों को। और इस बार भी ये शानदार गोल हुआ है। चौथे स्थान में इस गाड़ी को हर हाल में गोल लगाना है। बाबू सर मुर्मू 15 नंबर जर्सी पर एक गाड़ी और इस बार भी गोल नहीं हुआ। गोल पोस्ट का राइट साइड का पोल में लग करके गेंद वहां से वापसी।